टेक्नोलॉजी हम लोगों से बहुत एडवांस है। देख, कहने के तो हम कहते हैं कि इंडिया हम ये है, हम वो हैं इंडिया के लिए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हैं। इंडिया हमसे माशी हालात में भी बहुत आगे है और बहुत चीज़ों में आगे है। महंगा मेडिसिन भी जो है वो 20% बढ़ाने का कहा गया है। तो अगर एक बंदा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जाके, और अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं, वो हर एक चीज़ में जो है आगे जा रहा है। और उनकी जो मेडिसिन है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, हर जगह जो है वो दी जाती हैं, खरीदो फरोख्त होती है। तो अगर आप ये देखें कि हम जो है फिर इंडिया पर इंसार करेंगे मेडिसिन के लिए भी, तो हर चीज़ की इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी है। और अगर आप ऊपर से अब इस चीज़ की भी जो है ना ये प्राइसेस बढ़ जाए, तो बस फिर लोगों के साथ और खुदकशी के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए भारत से मेडिसिन। पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की शॉर्टेज हो चुकी है, मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर नहीं बची है। छोटी छोटी बीमारी के लिए भी मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं बची है। पाकिस्तानी खुद नकली मेडिसिन बना के बेच रहे हैं। अब उनको चाहिए भारत से मेडिसिन, तो क्या भारत को देनी चाहिए और पाकिस्तानी कैसे करके मांग रहे हैं मेडिसिन, चलिए देखते हैं। तो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो अगर सही चेक एंड बैलेंस रखें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी तरफ से तो ये, तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को, जो अभी एक के बाद एक महंगाई का जो है वो पहाड़ तोड़ रहे हैं आवाम पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क में ज़्यादातर आवाम गरीब है, तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन अगर आप अमीरों पर डाले और गरीबों को रिलीफ दें, तो ये बेटर है इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए। तो मेरा तो यही मैसेज है। ये अपडेट्स तो आती रहती हैं, आपको पता है कि मुल्क के माशी हालात कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, लेकिन इन हुक्मरानों को कोई फिक्र ही नहीं है। गरीब मर रहे हैं पहले ही, और ये मेडिसिन और महंगी करते जा रहे हैं, तो आखिर गरीब कहाँ से लेगा? अब देख रहे हैं कि गरीब फिर रहे होते हैं रोडों पे, लेकिन उनके पास कोई भी हल नहीं होता कुछ करने के लिए। आप देखिए, हर एक मेडिसिन इतनी इतनी महंगी है, और अगर उसी पर मज़ीद और चीज़ें महंगाई कर दी जाएगी, तो फिर जो बीमार है तो फिर वो क्या करेगा? मर ही जाए ना उसने, और क्या उसका होना है। तो सर, अगर हम अपने हमसाय मुल्क को देखते हैं, इंडिया को, तो वो हर एक चीज़ में डेवलपमेंट में, आपको पता है, वो हर एक चीज़ में बेस्ट होता जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है अपनी डेवलपमेंट की वजह से, हर एक चीज़ मैनेज है उनकी। तो उधर जब वो फार्मास्यूटिकल में भी जो है नंबर वन पे आ रहा है, तो कहाँ पर उनको मैनेज, कहाँ पर उनका ऐसा पॉइंट है कि वो हर चीज़ को मैनेज लेके चाहिए? उनकी टेक्नोलॉजी हम लोगों से बहुत एडवांस है। कहने के तो हम कहते हैं कि इंडिया हम ये है, हम वो हैं इंडिया के लिए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हैं। इंडिया हमसे माशी हालात में भी बहुत आगे है और बहुत चीज़ों में आ गया है, तो मुश्किल ये है कि तो फिर हम उन पर इंसार करेंगे वहाँ पर मेडिसिन, वो वहाँ यहाँ की वो उधर से सुने, यहाँ पर भी आती हैं, चाइना में भी जाती हैं, तो फिर हम उन पर इंसार रहेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बेहतरी हो नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी हो, दुआई कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप देखें ना, ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखते हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुहरान में जाता जा रहा है, तो जो रही सही कसर थी वो आप हर एक चीज़ पर निकाल रहे हैं, मेडिसिन बची थी अब उस पर निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहेंगे हम हुकूमत को, ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे रेट आपसे आप होते जा रहे हैं, तो बस यही कहेंगे कि डिफरेंट चीज़ों पे और चीज़ों पे भी कंट्रोल करें। मेडिसिन तो ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है कौम पे कि आपने मेडिसिन तक महंगी कर दी है, वो भी 20%, एक अच्छा खासा मार्जिन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। मजामत करते हैं इस चीज़ की। बस महंगाई तो हर चीज़ की इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी है, और अगर आप ऊपर से अब इस चीज़ की भी जो है ना ये प्राइसेस बढ़ जाए, तो बस फिर लोगों के साथ और खुदकशी के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इस सिलसिले में मैं ये बात करूंगा कि कम से कम इस चीज़ पे ध्यान रखें, या फिर जो है ना हम आवाम को इतनी सिक्योरिटी दे दें गवर्नमेंट के, हम जो है ना इस जंजाल से ही हट जाए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ना ठीक से इलाज हो रहा है, अगर ये मेडिसिन और भी महंगी होती जा रही है, तो फिर हम उसमें तो क्या करेंगे? हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आम आवाम जो है ना वो इतना नहीं कर पा रही कि अपने घर का राशन वो कर ले। ठीक है, ऊपर से बीमारियां भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हर तरफ जो है ना पोल्यूशन और ये इतना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से और भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे जो है ना ठीक से सफाइयों का इंतज़ाम हो रहा है, ऊपर से बीमारियां बढ़, इस तरफ ये लोग मेडिसिन प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है, हर तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, अगर हम देखते हैं हमारा हमसाया ममालिक इंडिया जो है वो तो वर्ल्ड पावर हर एक चीज़ में जो है ना स्टेप बाई स्टेप आगे जा रहा है, अब वो जो है करंट जो है फार्मास्यूटिकल में भी टॉप पर जा रहा है, तो क्या? ऑब्वियसली इंडिया जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो लोग पॉलिटिकल चीज़ से जो है ना वो लोग थोड़ा हट के जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको देखो, मतलब आपस में लगे हुए, आपस में एक दूसरे के इख्तलाफ में इतना घुस गए ना कि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हर चीज़ पर। उन लोगों की क्या चीज़ ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो हर चीज़ में, हर चीज़ उनकी, मतलब एक तो ये है ना कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट को इतना, मतलब अब वो नहीं कर रहे, रिलीजियस उस पर है लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट को इतना वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है वो ये है, यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे, ये वो पार्टी के पीछे पड़ा, ये दूसरा, हम आपस में जो है ना इसके इख्तलाफ की वजह से सबसे नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है ना हम ख़राब होते जा रहे हैं, हमारी मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है इसी चीज़ से। तो यहाँ पर दो नंबर मेडिसिन बनती है, वो दो नंबर मेडिसिन। अच्छा, मेन बात आती है फिर इस बात पे, जब मेडिसिन महंगे हो रहे तो कंपनीज क्या कर रही है, वो और भी महंगी होती जा रही है, क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब
उसका फ़ायदा जो है ना ये लोकल लोग ले रहे हैं, वो जो है ना दो नंबर की मेडिसिन बना के वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो अगर एक बंदा गरीब है उसके पास पैसे नहीं है तो वो जाके वो दो नंबर की मेडिसिन सस्ते प्राइस में ले लेता है, ठीक है। उनको तो पता नहीं चलता कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी अपने कमीशन के बेस पे। मेन जो बात है वो ये है कि महंगाई होगी है, अगर ये महंगाई ना हो ना तो डॉक्टर्स भी सही तरीके से काम करेंगे, आवाम भी ये सोच के लेगी कि मतलब ये चीज़ असली है नकली है। तो जब तक महंगाई है तब तक आवाम तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई के वाले से, तो हर चीज़ पे वो कर रहे हैं, तो हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? तो हुकूमत से तो बस हर पाकिस्तानी का फ़िलहाल सिर्फ यही मुतालबा कि जितना जल्दी हो सके जो है ना ये बुरान कम कर दे, वरना मुल्क के हालात और भी बिगड़ते जाएंगे, कोई हल नहीं निकलना फिर इसका। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, लाइक पेट्रोल है, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो जैसा कि आपको पता है इस मुल्क में ज़्यादातर आवाम गरीब है, तो ये तो उल्टा उन पर बर्डन पड़ना है। लाइक जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो सारे के सारे बर्डन है वो गरीबों पर पड़ेगा। तो इस बारे में हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रिलीफ दें कि गरीबों पर यह बर्डन ना पड़े। तो ये तो वाकई में एक गलत इकदाम है जो कि मैं कहूँगा। जो अगर हम बात करते हैं हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो तो हर एक चीज़ में टॉप लेवल पर जा रहा है, वर्ल्ड पावर भी बने जा रहा है ऐसा ऐसा अपनी डेवलपमेंट की वजह से, और अब जो है वो फार्मास्यूटिकल में भी नंबर वन पर जा रहा है। तो उनकी जो कई ममालिक में जो है मेडिसिन जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होती हैं, और चाइना और पाकिस्तान में भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी होती है, तो क्या कहेंगे हम इंडिया पर फिर इंसार? नहीं नहीं, ये देखें इंडिया ने अपने जो खुद ने सारी की तरफ वो गए हैं, उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो इस वजह से वो आज नंबर वन पे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बजाय हम उस पर निसार करें, हमें अपने कंट्री में भी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में भी आई गेस टैलेंट की कमी नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ड्यू टू करंट सिचुएशन वो बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। क्या ऐसे यहाँ पर इशूज़ हैं और बाहर की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं? बाहर यह है कि एक तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, उस तरह से जॉब्स नहीं है, और दूसरा यह कि बाहर सैलरी अच्छी मिल रही है काफ़ी, तो ये भी एक है। और बाकी यह कि सिक्योरिटी की वजह से मतलब बाहर हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आए रोज़ आपको तो पता है मतलब बड़े शहरों के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, चोरी चकारी रोबरी वगैरह स्नैचिंग, तो इस वजह से काफ़ी जो है यूथ को बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सर अगर यहाँ पर जो है देखते हैं लोकल आती हैं यहाँ पर मेडिसिन बनती हूँ? लोकल शायद बनती होंगी, उस तरह से इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूर काम करना चाहिए इसके। कोई फेक जैसे होता है ना कोई मिलावट वाली मेडिसिन इधर यूज़ होती है? आई गेस यूज़ होती होंगी, जैसे पास में भी हमने देखा था कि कुछ कफ सिरप से जिनसे काफ़ी डेथ हुई थी बच्चों की और लोगों की भी, तो इस तरह से काफ़ी बनती होंगी ज़रूर। ये क्या ये अथॉरिटी यहाँ पर ओके होती है तो फिर पढ़ना शुरू होती है, क्या प्रोसीजर इन सबका होता होगा? क्योंकि ज़ाहिर है एक बन रही है मेडिसिन वो पूरा अलाउ होता है मेडिकल तौर पर, तो कौन अथॉरिटी ये देता है कि फिर वो बना? ये तो कुछ लूप होल्स होंगे ऑब्वियसली, जहाँ पे सही चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ये हो रहा है। ज़ाहिर अगर चेक एंड बैलेंस सही हो तो फिर तो ये नहीं हो सकता। तो जो भाई कसम से यार, अब तो हमें भी भाई दरस आ गया पाकिस्तान के ऊपर, अब इनको चाहिए भाई इंडिया से मेडिसिन, इंडिया के ऊपर अटैक भी ही करेंगे और इंडिया से मेडिसिन भी चाहिए इनको, तो भाई क्या दें हम? अब तुम्हें बम दे या फिर गोली दे, कौन सी वाली गोली दे, खाने वाली दे या हिलाने वाली दे? दोस्तों इतने बुरे हालात पाकिस्तान के भाई, मेडिसिन नहीं मिल रही है, नकली मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर बिक रही है, लोग मर रहे हैं दवाई ले लेके। पाकिस्तान जो है इंडिया से मेडिसिन एक्सपोर्ट करता था, अब वो इंडिया से ना करके दुबई के थ्रू करता है, बोलता है दुबई को बोलता है कि तुम वहाँ से हमारे लिए मेडिसिन ले दो, और अब हमारे लिए मेडिसिन ले दो, डायरेक्ट नहीं लेते, ऐसे ही सब्जी अनाज भी ऐसे करता है पाकिस्तान, चीज़ें उनको महंगी पड़ती है, किसमें सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। पाकिस्तान के हुक्मरान भाई हाथ नहीं जोड़ सकते इंडिया के सामने, महंगी चीज़ें ले लेंगे अपनी पब्लिक को मार डालेंगे लेकिन हाथ नहीं जोड़ेंगे इंडिया के सामने। ये भाई पाकिस्तानी मुल्क के हालात, कसम से भाई क्या बोलूँ यार, क्या आपके नज़र में इनको दवाइयाँ देनी चाहिए हमें या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।